वज़ीर-ए-आज़म ट्रेज़ामे की कोशिशें नाकामी से दोचार। ब्रेग्जिट डील पर डेड लॉक बरकरार। बरतानवी पार्लियामेंट ने तीसरी मरतबा भी ब्रेग्जिट डील मुस्तरद कर दी। डील के हक में 286 जबकि मुखालिफत में 244 वोट डाले गए। वज़ीर-ए-आज़म ट्रेज़ामे का कहना है कि ब्रेग्जिट डील की मंजूरी के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। रूस को वेनेजुएला फौजी भेजने का खमियाजा भुगतना होगा। अमरीका की रूस को धमकी। अमरीकी खसूसी नुमाइंदा बराए वेनेजुएला एलिट एब्राम्स का कहना है रूस को जवाब देने के लिए इक्तसादी पाबंदियों समेत कई ऑप्शंस मौजूद हैं। जबकि मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन ने कहा अमरीका रूस फौजियों की तैनाती को खतरे के तौर पर देखता है। फौजियों की तैनाती इलाकाई और बैन अलाक्वामी आम के लिए खतरा है। गोलान तनाज़े, फलस्तीनी अमरीकी पॉलिसियों के खिलाफ मुज़ाहमत बढ़ाएं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान बहराम कासमी का कहना है कि मकबूजा बैतुल मुकद्दस को इसराइली दारुल हुकूमत और गोलान को इसराइली मलकियत तस्लीम करना फलस्तीनी मुज़ाहमत को सही साबित करता है। ईरानी सदर भी अमरीकी फैसले के खिलाफ मुज़ाहमत का इंदिया दे चुके हैं। I think there are too many misnomers on this whole issue of Jammu and Kashmir. It is a hybrid conflict. Hybrid cannot be countered by conventional. The Americans learned it the hard way. Indian democracy sometimes comes back to shoot itself in the foot. We pulled out the army from South Kashmir in 2011 and 12, declaring premature victory because of absence of violence. The issue of Pulwama was expected. Absolutely, I expected it. इत्तलात की जंग में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। साबिक भारतीय कोर कमांडर का एतराफ। जनरल रिटायर्ड अता हसनैन की बरतानिया के मुमताज थिंक टैंक में गुफ्तगू। कहा ISPR ने कमाल हिकमत अमली से कश्मीरियों को भारतीय फौज से मुतनफिर कर दिया। कश्मीर में ताकत का इस्तेमाल हल नहीं। अगर शाम इराक अफगानिस्तान और पाकिस्तान में धमाके हो सकते हैं तो कश्मीर में पुलवामा वाकये का भी कवी इम्कान था। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। अरकान यूरोपियन पार्लियामेंट का भारतीय वजीर आजम को खत। पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यह भारतीय हुकूमत को पैगाम है कि वो आलमी बरादरी को गुमराह नहीं कर सकता। मसूद अजहर के खिलाफ सलामती काउंसिल में मुजवजा अमरीकी करारदाद के पस मंजर में भारतीय इलेक्शन है। सिफारती जराए के मुताबिक अमरीका मोदी सरकार को इलेक्शन से पहले मसूद अजहर पर पाबंदी का तोहफा देना चाहता है। सलामती काउंसिल के दीगर अराकीन सियासी मफादात और जल्दबाजी में पेश करदा करारदाद की हिमायत से गुरेजा। भारत की हुकूमत और मीडिया की तरह उसकी फौज भी अखलाकी जुर्रत की कमी। भारतीय फौजी हेलीकॉप्टर की तबाही की वजूहात को एक माह तक छुपाए रखा। पाकिस्तान ने तैयारे गिराए तो भारतीय फजाइया ने बौखलाहट में अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। शर्मिंदगी से बचने की कोशिश में तकनीकी खराबी का बहाना खड़ा। बुजगाम में हेलीकॉप्टर इसराइली साख्ता मिजाइल से तबाह हुआ। मोदी सरकार फिर फरार। भारत ने करतारपुर राहदारी पर मुजाकरात से भी राह फरार इख्तियार कर ली। पाकिस्तानी वफद में शामिल अफराद पर एतराज का बहाना बनाया। 2 अप्रैल को वाघा में होने वाली बातचीत इल्तवा का शिकार। पाकिस्तान का भारतीय रवैये पर तश्वीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारत को कोई एतराज था तो मीटिंग में सामने रखते। अफगानिस्तान के शहर गजनी में तालिबान का हमला। 15 पुलिस अहलकार हलाक, मुतअद्दिद जख्मी।
अफगान मीडिया के मुताबिक हमलावरों ने पहले एक चेक पॉइंट पर फायरिंग की, फिर चौकी में महसूर पुलिस अहलकारों की मदद को आने वाले काफिले को निशाना बनाया। कराची के लिए विफाकी पैकेज का हुजुम, 102 अरब रुपए करने का फैसला। पीटीआई अरकान असेंबली के वजीर आजम से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। जिला गरबी और फरंगी यूनिवर्सिटी बनाने की तजवीज भी वजीर आजम ने मान ली। रमजान घांची अपना मसला बताते हुए रो पड़े। वजीर आजम ने गवर्नर को तमाम अरकान के फोन सुनने का पाबंद कर दिया। वजीर आजम से एमक्यूएम के वक्त की भी मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब, आपका बलूचिस्तान में अपने मुल्क के लिए आपका शुक्रगुजार। कोशिश ये है कि हम भी फौज के साथ मिलकर यहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट इसके साथ सेटअप करें। बलूचिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स का नया फेज, पाक फौज के इश्तराक से तरक्की का सफर तेज। वजीर आजम ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रख दिया। कोयटा योग शाहरा N50 और कोयटा में हेल्थ कॉम्प्लेक्स का भी संगे बुनियाद। कार्डियक इंस्टीट्यूट के लिए फंड्स के बंदोबस्त पर आर्मी चीफ का शुक्रिया। बलूचिस्तान हुकूमत और फौज से मिलकर कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का भी ऐलान। ओग्रा ने फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। यकम अप्रैल से पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की समरी वजारत खजाना को अड़साल कर दी। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 92 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज। डीजल 11 रुपए 17 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। पेट्रोलियम कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मशावरत से करेगी। नैब का रेडार निशाने पर खुसरो बख्तियार, विफाकी वजीर पर आमदन से जायद असासों का केस। रुकने कौमी असेंबली बनने से कबल खुसरो बख्तियार और भाइयों की मलकियत 5702 कनाल अराजी थी, यही वाहिद जरिया मुआश था। 2004 में वजीर बनने के बाद असासें अरबों तक पहुंच गए। मजीद जायदादें सामने आने का इम्कान, नैब रिपोर्ट 92 न्यूज ने हासिल कर ली। कराची में अलफलाह पुलिस की कार्रवाई, 6 मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुलजिम नशे में वारदातें करते, मजाहमत ना करने पर भी फायरिंग करके शहरियों को जख्मी कर देते। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमों में शेराज उमर, नवीद राशिद, जुल्फकार और नासिर शामिल हैं। दुबई में छठी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप पाकिस्तान ने जीत ली। मुबीन सगीर ने भारतीय खिलाड़ी की खूब धुलाई की। दुबई का स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। प्याज चिकन कड़ाही हैदराबाद की मुनफरद डिश। काली मिर्च और दीगर चटपटे मसाला जात से तैयार कड़ाही का अपना ही मजा। अदरक और रायते के साथ पेश की जाए तो खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएं। और जमीन पर माहौलियाती असरात को उजागर करने के लिए दुनिया भर में आज अर्थ आवर मनाया जाएगा। रात 8:30 से 9:30 बजे तक ऐवान सदर, पार्लियामेंट हाउस समेत अहम इमारतों की बत्तियां गुल कर दी जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं इशाल सुलेमान। मैं हूं आपके साथ अम्मान अली खान। और मैं हूं अंजला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्रेक्जिट डील पर डेडलॉक बरकरार है। बरतानवी पार्लियामेंट ने तीसरी मरतबा वजीर आजम ट्रेजामे की डील 58 वोटों के मार्जिन से मुस्तरद करती है।